नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट राइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी की पहली सूची जारी होने के पश्चात जंग छिड़ गई। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए कोलासराय विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट अंतिम वक्त पर काटने से एक बार फिर से विवाद छिड़ गया। आपको बता दें कि असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की तथा पार्टी के फैसले का विरोध व्यक्त किया। इसके चलते कांग्रेस नेता रघुवंशी के समर्थकों को कमलनाथ से दो टूक जवाब दे दिया। वहीं कमलनाथ ने शिवपुरी पहुंचकर असंतुष्ट होकर कहा कि आप लोग यहां गदर मत कीजिए, दिग्विजय सिंह तथा जयवर्धन के पास जाइए, उनके कपड़े फाड़िए। आपको बता दें कि उनका मतलब था कि वीडियो में वीरेंद्र रघुवंशी समर्थकों से कमलनाथ ये बोलते हुए नजर आए कि इस बारे में आप तो दिग्विजय सिंह और उनके विधायक बेटे जयवर्धन से बात करें। इस पूरी घटना का वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने तंज कसते हुए लिखा कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। अरे कमलनाथ जी, आप तो कपड़े फड़वाने पर भी उतर आए। और खैर, आप इस पर बात कर ही सकते हैं जब पूरी कांग्रेस पार्टी को ही फाड़ क्यों ना दिया जाए। आपको बता दें कि पूरी शिवपुरी से आए वीरेंद्र रघुवंशी ने समर्थकों के कमलनाथ से बातचीत का ये वीडियो देख दिग्विजय सिंह से आप और आपके सुपुत्र को पीड़ा तो अवश्य होगी और बदला भी तगड़ा लेंगे। अब देखना है कि दिलचस्प होगा कि कपड़े कौन किसके फाड़ेगा। आपको बता दें कि ये मीडिया प्रभारी बीजेपी के थे जिन्होंने ये पोस्ट कर डाली और इन सब बातों को लिख दिया। वहीं भाजपा आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने भी वीडियो साझा कर लिखा कि कमलनाथ की टिकट प्रार्थियों का सलाह, आप जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। कमलनाथ ने कांग्रेस में राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक नेताओं के झगड़ों के बीच जनता पिस जाती है, इन सत्ता से दूर ही रखना एकमात्र इलाज। उधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर वीडियो साझा कर लिखा कि आप जानकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए, ये कमलनाथ कपटनाथ किसके साथ कपट कर रहे हैं कुछ नहीं पता, कांग्रेस ऐसे ही कपटी पार्टी नहीं कहलाती। वहीं इस मामले को पूरी तरह से लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सफाई दी। मंगलवार को कांग्रेस सांसद ने एक्स पर लिखा कि जब परिवार बड़ा होता है तो सामूहिक सुख तथा सामूहिक द्वंद्व दोनों होते हैं। साझेदारी यही कहती है कि बड़े लोग धैर्यपूर्वक समाधान निकालें, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो मन और मेहनत से मेल रखते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी जो है बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आए नेता जयवर्धन का टिकट कट गया, उसके बाद से ही पूरी तरह से मध्य प्रदेश में अब विरोध प्रदर्शन जारी है। और ऐसे में कमलनाथ ने आकर एक बात कह दी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बीजेपी पार्टी के मीडिया सेल ने जो है अपलोड कर दिया। दरअसल वो अपने वीडियो पर कहते हुए नजर आए या अपने बयान पर कहते हुए नजर आए कि आप यहां क्यों हल्ला कर रहे हैं, आप जाइए दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के जाके कपड़े फाड़िए। और इसको लेकर बीजेपी पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बता दिया और ऐसे में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से घमासान मच गया है। अब देखना यही होगा जिस प्रकार से कमलनाथ का जो है ये वीडियो सामने आया और इस पर आकर दूसरे नेता जो है लीपापोती कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी पार्टी इसको लेकर तंज कसती हुई नजर आई। और देखना होगा कि क्या ये मामला शांत होता है या फिर बीजेपी पार्टी के तमाम नेता इसको और उकसाने का काम करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट राइन आवाज।